तो गाइस टाटा हैरियर का डार्क एडिशन भी फाइनली शोरूम्स के अंदर में आ चुका है, जो कि आपका 29,15,000 रुपये कॉस्ट करता है गुड़गांव हरियाणा में। और कंपैरिजन में एमजी की हेक्टर भी आती है। एमजी हेक्टर के अंदर में एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि डीजल इंजन के साथ में आप लोग को पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, बट जो टाटा की हैरियर है यहाँ पर सिर्फ आपको डीजल इंजन ही मिलेगा। डीजल इंजन के अंदर ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ये डार्क एडिशन है, आज की वीडियो बताऊँगा कि इसके अंदर में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कैसे कंफर्ट जो है आप लोग को मिल जाता है। जैसे आप इस गाड़ी की देखोगे ना, यहाँ पे लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलैम्प और इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलता है। अब इसके अंदर में क्या है, आप लोग को इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाती है। और जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूंगा ना, तो भाई कोई भी आवाज नहीं करती है, बट जो इसके DRLs हैं बहुत तगड़ी तरीके से ग्लो करते हैं। और जैसे गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो भाई जो इसके ORVMs हैं ओपन हो जाते हैं, और DRLs का स्टाइल देखो क्या तगड़ी तरीके से करता है ये। अब जो इस गाड़ी का प्राइस है ना भाई, कुछ ज्यादा ही हो चुका है 30 लाख रुपए। अगर कंपेरिजन में आप देखोगे आपकी जो आती है, अगर उसका मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन में प्राइस देखोगे तो 25 लाख रुपए कॉस्ट करता है उसको, 30 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो है आप लोग की जो ये गाड़ी है ज्यादा महंगी बैठती है। और सेफ्टी ऐसी बात नहीं है, आपको एमजी हेक्टर के अंदर में मिल जाती है, और जो टाटा हैरियर है इस गाड़ी के अंदर में भी सेफ्टी मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियां सेफ्टी के मामले में एक नंबर की है। हैरियर के अंदर में क्या है, आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाती है, और फॉग लाइट जो है गाड़ी से कट चुकी है, सिर्फ नीचे की तरफ में ही आपको हेडलाइट मिलती है। और जो गाड़ी के DRLs है ना, अब पूरे कनेक्टिंग वाले जो है यहाँ से हो चुके हैं, और ये इतना पार्ट जो है DRLs इसका इंडिकेटर का भी काम करता है, और ये DRLs का भी काम करता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी आप लोग को मिल जाते हैं, और कैमरा मिल जाता है, और एडास भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। डार्क एडिशन का मतलब भाई टाटा ने तो ये कर रखा है कि पूरा ही डार्क, हर एक चीज़ डार्क मिलती है, कहीं पे भी गाड़ी के अंदर में क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा। सिर्फ इसका जो हैरियर का लोगो है और जो ये डार्क की बैजिंग है, ये आपको डार्क क्रोम के अंदर में मिलती है। 360 डिग्री कैमरा भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। दोनों ORVMs के नीचे कैमरा मिल जाएगा, विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइन नहीं मिलेगी, और जो डोर हैंडल्स हैं इनके ऊपर भी कोई क्रोम आप लोग को नहीं मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, और प्लास्टिक की रूफ रेल्स भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जो ये आपकी हैरियर है इसके अंदर में आती है 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और इसका जो DEF है वो यहाँ बूट में से भरा जाता है। और जो MG की हेक्टर आती है वहाँ पे आती है आप लोग की 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। पीछे की तरफ में आप लोग को डिफोगर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाता है, हाई मेम स्टॉप लैंप में मिल जाता है। अब जो इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है, मेजरली चेंज भाई इसकी टेल लाइट में, और जो इसका बम्पर है वहाँ पे किया गया है। और जो कैमरा क्वालिटी है वो भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। स्पेयर व्हील की जो प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ मिलती है, अलॉय व्हील जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलते हैं। और जो गाड़ी के अलॉय व्हील्स है ना, ये यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। MRF के टायर हैं, 245/55 R19 इंच का जो है यहाँ पे टायर सेक्शन मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है ये आप लोग नहीं मिलेंगे, पर यूँ है पूरे ब्लैक कलर के अंदर में ये दिए गए हैं। टेलगेट को ओपन करने के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक स्विच है, और इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। पहले ना इस गाड़ी की जो टेलगेट थी बहुत भारी थी, तो ये ओपन नहीं होती थी, पर अभी इलेक्ट्रिक टेलगेट दे दी, बहुत बढ़िया है। 445 लीटर का इसके अंदर में बूट स्पेस मिल जाता है। कंपैरिजन में हेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे आता है 587 लीटर का बूट स्पेस। पार्शियल ट्रे भी यहाँ पे मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीटें भी जो हैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिल जाती है, और सब वूफर भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर क्या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान भी प्लेस कर सकते हो। और जिसके DEF के लिए रखे ना, वो आपका यहाँ से इसके अंदर से भरा जाता है। और जो बूट लैंप है वो भी गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। और जैसे टेलगेट खुलती है या बंद होती है तो इस तरीके की मतलब कोई आवाज़ जो है ये गाड़ी नहीं करती है। अब मैं इसके इंटीरियर से दिखाता हूँ क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती है। जो इसका ड्राइवर साइड है यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। जो ड्राइवर वाली सीट है ये आपको वेंटिलेटेड, ड्राइवर पैसेंजर दोनों वेंटिलेटेड मिलती है, बट जो इसकी ड्राइवर वाली सीट है यहाँ पे मेमोरी फंक्शन के साथ मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये सीट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो है स्विचेज मिल जाएंगे, और डार्क क्रोम के यहाँ पे आपको इसके हैंडल्स देखने को मिलेंगे। स्पीकर्स की क्वालिटी जो है गाड़ी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। जो इसके इतना वाला पार्ट है ना, ये आपको इसके अंदर में लेदर का मिलेगा। अब जो हैरियर का इंटीरियर्स है भाई, पहले से यहाँ पे बहुत अच्छा सा हो चुका है। फिट एंड फिनिश यूँ है पहले के मुकाबले अब जो है गाड़ी के अंदर में ज़्यादा बेटर हो चुकी है। डेड पेडल गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है, और मेटल के पेडल्स भी जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं।
जैसे गाड़ी के अंदर मैंने स्टेप इन किया ना, तो भाई जो सीट है, मतलब पहले गेट खोलते साथ तो पूरी ऑल द वे बैक चलेगी, जैसे बैठ गया ना फिर जो है सीट अपनी पोजीशन में आ चुकी है। स्टेयरिंग व्हील जो है अब इसका यहाँ पे चेंज है, पूरा ऑल ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील अभी हो चुका है, पहले हाइड्रोलिक था थोड़ा टाइट कटता था बट अभी वहाँ इलेक्ट्रिक है तो बिल्कुल आसानी से कटेगा। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर मिल जाती है। जो ये वाला पूरा पैनल देख रहे हो ना, ये आप लोग को इल्यूमिनेटेड मिलता है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल दे रखे हैं और इस साइड में क्रूज कंट्रोल और इसके MID के कंट्रोल दे रखे हैं। ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, ऑटो वाइपर भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं और इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है। जो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अब यहाँ पे पूरा डिजिटल वाला हो चुका है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें यहाँ पे डिजिटल में ही शो करते हैं और इनको चेंज ना मैं यहाँ से करूँगा। अब इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये ट्रिप की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी ट्रिप मतलब फ्यूल वगैरह की थी, और यहाँ पे इसके एडास के लिए दिया हुआ है, और ये इसके व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ये आपका TPMS भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये जी मीटर भी गाड़ी के अंदर में दे रखा है, बाकी नेविगेशन है, और जो इसका नेविगेशन है ना वो आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे इसके अंदर में कनेक्ट करोगे तो वो सीधा इसी के अंदर में चल जाता है। तो ये चीज़ इस गाड़ी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी लगेगी, और बाकी मीडिया के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन से, बस यही चीज़ जो है यहाँ पे शो करता है। ऑल ब्लैक कलर दे रखा है, यहाँ नीचे भी पूरा ब्लैक है, रूफ भी जो है पूरी गाड़ी की ब्लैक दे रखी है। टच स्क्रीन डिस्प्ले भाई इसकी एक नंबर की मिलती है, इसका रेस्पॉन्स ना ऐसे देखो, कितनी भी तेज उंगली आप चला लो तो यूँ है पूरी रेस्पॉन्स टच स्क्रीन डिस्प्ले है। ड्यूअल जोन आप लोगों को क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि पहले इस गाड़ी के अंदर में नहीं आता था। मोड्स भी मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड है, ये आपका वेट मोड हो गया, और एक इसके अंदर में रफ रोड मोड हो गया। भाई ये मोड्स क्यों नहीं लग रहे, शायद डोर ओपन है इस वजह से नहीं लग रहे होंगे यार, कुछ तो हो रहा प्रॉब्लम, पर यूँ है लग जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं कि दिक्कत आएगी। स्पोर्ट्स मोड है और यहाँ हिल डिसेंट दे रखा है। गियर नॉब भी जो है इस गाड़ी का चेंज हो चुका है, 6-speed ही गियर बॉक्स आएगा इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 6-speed ही गियर बॉक्स आएगा इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है। आर्म रेस्ट गाड़ी के अंदर में फिक्स आते हैं, यहाँ पे USB और सी टाइप और एक 12 volt का सॉकेट और एक कूलिंग फंक्शन वाला दे रखा है, और यहाँ पे भी आप लोग को USB और सी टाइप मिल जाती है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये सॉफ्ट टच के अंदर में गाड़ी में दिया गया है, बीच वाला पार्ट यहाँ पे हार्ड में मिलता है, और नीचे की तरफ में यहाँ पे लेदर फिनिश आप लोग को मिल जाती है, और इसका जो ग्लोव बॉक्स है अच्छा गहरा सा मिलता है, और ये इल्यूमिनेटेड यहाँ पे आता है। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो सीट अभी ऊपर नहीं है, फिर भी यूँ है मैं डैशबोर्ड से ऊपर बैठा हूँ, और बोनट अच्छा बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब गाड़ी ना अंदर से यूँ लगती है पूरी भारी भारी सी। साइड विंडोज भी ऊपर हूँ, ORV में से बिल्कुल बढ़िया व्यू आएगा, और साइड विंडोज से भी है गाड़ी के अंदर में बढ़िया व्यू आ जाएगा। बट मैनुअल में थोड़ी सी जो ये वाली चीज़ है ना ये अभी भी यहाँ पे सुधार नहीं की गई है, मैनुअल के अंदर में थोड़ी सी ये दिक्कत करेगी, और क्लच मतलब बिल्कुल स्मूथ सी भी नहीं है, पर ठीक है इसी को टाइट सी भी इसको आप नहीं बोल सकते हो। अब गाड़ी की सेकंड रो दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। पीछे की तरफ में यहाँ पे कर्टेन्स भी अब इस गाड़ी के अंदर में आ चुके हैं, ऑल ब्लैक कलर का दे रखा है, और जी ये वाला पार्ट है इसके अंदर में भी पूरा लेदर का यूज़ मिलेगा, जो बीच का हम्प है थोड़ा सा उठा हुआ मिल जाएगा। अब कंपेरिजन जैसे मैं थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ, जो एक्टर आती है उसके अंदर में बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलता है, और जो ये वाला स्पेस है हेक्टर के अंदर में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके व्हील बेस है तो MM के अंदर ही ज़्यादा, पर जो ये वाला स्पेस है उसके अंदर में ज़्यादा आप लोग को मिलता है, और जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो भी हेक्टर के अंदर में कहीं हद तक ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट रो भी गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और सेकंड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके का हेडरेस्ट मतलब साइडों से हो जाते हैं। जिनका रेक्लाइनिंग एंगल है ना आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स पोजीशन में रहेगा। आईसो फिक्स सीट्स मिल जाती हैं, बीच वाले के लिए भी क्या है गाड़ी में 3-point सीट बेल्ट मिलती है, और आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि 2 glass के साथ में आते हैं। साइड में ही गाड़ी के अंदर में एयर के वेंट्स दे रखे हैं, और सेंटर में कोई एयर के वेंट्स नहीं है। पीछे भी क्या है आप लोग को USB और सी टाइप मिल जाती है। पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर देखने में, देखो 6 foot से ज़्यादा पीछे हो रखे हैं, उसके बावजूद तो गाड़ी के अंदर नी रूम है, लेग रूम है, कहीं भी कोई भी दिक्कत इसके अंदर में आप लोग को नहीं होने वाली है। पीछे की तरफ में स्टॉप लैंप भी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, मतलब चारों डोर्स पे गाड़ी के अंदर में क्या है आप लोग को स्टॉप लैंप मिल जाता है, रिफ्लेक्टर नहीं, स्टॉप लैंप जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर में लगा हुआ है 2 liter का पेट्रोल इंजन क्राइटेक वाला, जो कि 168 bhp और 350 आपका NM का टॉर्क ये निकाल के देता है। माइलेज में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया देती थी, मतलब यूँ है 16 किलोमीटर की इसने पुरानी वाली जो आपकी सफारी थी उसमें निकाल के दी थी। अब ये नई है, कुछ ना कुछ अपडेट है, तो यूँ है 16 की तो आराम से ये हाईवेज पे आपको निकाल के दे देगी। बेसिक से आपका मैनुअल हो चाहे इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, मैनुअल ट्रांसमिशन में तो लगा लो कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ही माइलेज आप लोग को मिलेगी। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद लगे ना चैनल सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।